हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड नोटिफिकेशन साउंड में, जो कि फ्रेंड मेरे पास है रियलमी C3। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन साउंड कैसे लगाते हैं, जो कि फ्रेंड अगर आपको भी जैसे कि कोई मैसेज आता है तो आपको भी सोचते हैं कि मैसेज में मेरा नोटिफिकेशन साउंड आया या सॉन्ग आया बढ़िया बढ़िया, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो हम यही सीखेंगे। और फ्रेंड आपके फ़ोन जो कि आपके पास कोई सा भी हैंडसेट है, ओप्पो वीवो या कोई सा भी, आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको करना क्या है सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ। फ्रेंड आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर आपके पास कोई सा भी दूसरा हैंडसेट है तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं सर्च सेटिंग्स, क्योंकि हर एक फ़ोन का सेटिंग्स अलग अलग होता है, तो आप उसके लिए भी आप यहाँ पे सर्च मार के मंगा सकते हैं। जो भी सेटिंग्स आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड आपको करना क्या है, जो कि साउंड जो है साउंड पे क्लिक करना है। तो साउंड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रिंगटोन, मैसेज टोन, यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड। तो आपको इस पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन साउंड आपको क्या लगाना है, अगर आपको अपना पर्सनल सॉन्ग लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड जैसे कि आपको ये मैं आपको दो तीन सुना के दिखा देता हूँ, जो भी लगाना हो नोटिफिकेशन में ये भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं आप। तो अगर आपको अपना लगाना है तो आपको इस पे फ्रॉम जो कि फोल्डर्स जो है इस पे क्लिक करना है। जो भी आपका सॉन्ग होगा यहाँ से ले सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपने सीख लिया है नोटिफिकेशन में साउंड को कैसे सेट करते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।